वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोग अपना YouTube चैनल कैसे बना सकते हैं और किस तरह से हम लोग जो है वो इसे अर्निंग सोर्स बना सकते हैं या इसे किस तरह से हम लोग जो है वो कमा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आप लोगों को सारा प्रोसीजर सही तरीके से समझ आ सके। सबसे पहले काम ये करना है कि Gmail जो है वो ओपन कर लेना है। YouTube के लिए हमारे पास Gmail का अकाउंट होना ज़रूरी है। यहाँ से मैंने क्या किया, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक किया। फॉर माई सेल्फ मुझे चाहिए, अपने लिए चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले मैंने जो है वो कुछ भी इस तरीके से लिख दिया। लेट्स सपोज मोहम्मद अली के उसे खोलना चाह रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो है वो मैंने लिख दिया जी मोहम्मद अली 777। पासवर्ड मैंने यहाँ पर जो है वो कुछ भी रख दिया। उसके बाद मैंने जो है वो नेक्स्ट पे क्लिक किया। वो कह रहा है कि सेव कर लो, मैंने कहा जी कर लें सेव। अच्छा, वो यहाँ पर मुझे शो करवा रहा है कि बेसिकली जो है वो ये यूज़र जो है वो पहले से जो है वो लिया जा चुका है। अब मैं काम ये करने जा रहा हूँ कि मैंने जो है वो इस यूज़र को मज़ीद थोड़ा सा चेंज करूँगा। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर जो है वो 999123 कुछ भी इस तरीके से नाम रख रहा हूँ ताकि वो बिल्कुल बेसिकली यूनिक सा कम्बिनेशन बन सके। ये भी यूज़र पहले से लिया जा चुका है। एम अंडरस्कोर अली अंडरस्कोर 111122233333। सो यूज़र नेम लेना है। अच्छा, वो मुझे कह रहा है कि बेसिकली ये चीज़ें जो हैं वो अलाउ नहीं हैं। सो मैंने यहाँ से जो है वो अंडरस्कोर ख़त्म कर देता हूँ। आई थिंक सो के शायद बहुत ज़्यादा यूज़र्स बन चुके हैं। इसके शुरू में क्यूट लिख देता हूँ, शायद एक्सेप्ट कर ले। एक्सेप्ट हो गया। अच्छा, आप वो यहाँ से कह रहा है कि जी फ़ोन नंबर जो है वो अगर देना चाहते हैं तो ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने यहाँ से जो है वो लेट्स सपोज एक डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर ली है। जो भी आप लोग डेट ऑफ बर्थ है वो आप लोगों ने चूज़ कर लेनी है। अच्छा, उसके बाद यहाँ से क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ से मैंने क्या किया, आई एग्री पे क्लिक कर लिया। इसको मैंने फिलहाल स्किप कर दिया। यहाँ से अब मेरा जो है वो जीमेल का अकाउंट बन गया। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहीं पर रहते हुए जो है वो यहाँ पर काम ये करता हूँ कि यूट्यूब ओपन करता हूँ, क्योंकि हमारा मेन मकसद तो है कि यूट्यूब के अंदर चैनल कैसे बनाते हैं। मैंने यहाँ पर आके साइन इन पे क्लिक किया।
यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मुझे उसने जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो साइन इन पे जो है वो मतलब सेट करवा लिया, मतलब साइन इन करवा लिया। मैंने इसकी आइकन पे क्लिक किया। आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से वो एक ऑप्शन दे रहा है क्रिएट ए चैनल। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। यहाँ से मैंने क्या किया, गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया। अच्छा, अब वो पूछ रहा है कि यूज़र नेम क्या होना चाहिए, मतलब जो चैनल का नाम है वो आपने अपने मोहम्मद अली के नाम पे ही रखना है या आपने जो है वो कोई कस्टम नाम रखना है। मैंने यहाँ पर क्या किया, कस्टम नाम जो है वो चूज़ किया। कस्टम नाम जो है वो यहाँ पर चूज़ कर लेने के बाद मैंने यहाँ पर लुक है, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर रखा जी किड्स लर्निंग। आई अंडरस्टैंड किया। आई अंडरस्टैंड करने के बाद मैंने जो है वो यहाँ पर क्या किया, क्रिएट पर क्लिक कर लिया। क्रिएट पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, सो अब वो मुझे कह रहा है कि जी कोई प्रोफाइल पिक्चर जो है वो अपलोड करना चाहें। सो मैंने जो है वो एक जो है एक आइकन जो है वो बना के रखा हुआ है। डेस्कटॉप पे गया, डेस्कटॉप पे जाके ये मैंने जो है वो एक आइकन पहले से बना के रखा हुआ, और ये मैंने आइकन बनाया है फ्री लोगो डिजाइन में जाके। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई हुई है कि किस तरह से हम लोग फ्री आइकन बना सकते हैं। सो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक भी डाल दिया है, आप लोग जो है वो ज़रूर देखिएगा। अच्छा, उसके बाद मैंने जो है वो चैनल के बारे में लिखा कि ये चैनल जो है वो किस बारे में है। दिस चैनल इज ऑल अबाउट किड्स लर्निंग। अच्छा, यहाँ पर कोई मैं अपना लिंक वगैरह देना चाहता हूँ, यूआरएल देना चाहता हूँ फेसबुक की, या यूआरएल ट्विटर का, या यूआरएल जो है वो इंस्टाग्राम का, मैं कुछ भी करना चाहता हूँ सो मैं वहाँ पर देख कर सकता हूँ। अभी मैंने फ़िलहाल सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। सो अब आप लोग देख सकते हैं कि ये मेरे पास जो है वो किड्स लर्निंग का वो आ गया, मतलब आइकन आ गया, और उसने जो है वो नाम मुझे शो करवा दिया, और उसके बाद जो है ये यहाँ पर कस्टमाइज चैनल का भी लिंक आ गया है। यहाँ से कस्टमाइज चैनल पे क्लिक करें। यहाँ पर जाके कोई भी एक इमेज सेलेक्ट कर लें। बाई डिफ़ॉल्ट जो है वो यहाँ पर गैलरी में कुछ पिक्स होती हैं, आप लोग इसमें से भी चूज़ कर लें, नहीं तो अपना जो है वो आर्ट आप लोग ख़ुद से बना के जो है वो अपलोड कर सकते हैं। सो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास जो है वो चैनल क्रिएट हो गया। अच्छा, चैनल तो क्रिएट हो गया। अच्छा, अब आगे क्या करना है। मैंने यहाँ से जो है वो क्रिएटर स्टूडियो में चला गया, मतलब चैनल जो है वो कब जाके ग्रो करना शुरू करता है, या चैनल चैनल से कब जाके कमाई होना शुरू हो जाती है। वीडियो अपलोड जो है वो वीडियो अपलोड का पूरा प्रोसीजर भी मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, आप लोग वो भी ज़रूर देखिएगा। अच्छा, काम ये करना है कि मैंने यहाँ पर जाके मोनेटाइजेशन पे क्लिक करना है। मोनेटाइजेशन जो है ये यहाँ से जाके आप लोगों को बताएगा कि जी अभी वो क्या बता रहा है। अभी वो ये बता रहा है कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द मोनेटाइजेशन। अभी मोनेटाइजेशन के लिए जो है वो एलिजिबल नहीं है, उसकी वजह ये कि कम अज़ कम 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे चाहिए होते हैं वॉच टाइम आखिरी 12 महीनों में, तब जाके ये आप लोगों का चैनल जो है वो मोनेटाइज होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, एक काम और करिएगा कि इसमें जो है वो जो भी वीडियो वगैरह अपलोड करते जाएं, ख्याल रखिएगा कि उसके ऊपर किसी किस्म का कोई कॉपीराइट ना आए, क्योंकि कॉपीराइट अगर क्लेम हो रहा है तो चैनल मोनेटाइज नहीं होता, हत्ता कि चैनल बंद होने के चांसेस भी होते हैं। और आजकल जो है वो एक बहुत ज़्यादा वो चला हुआ है कि सब्सक्राइबर गेट करें, यूट्यूब के सब्सक्राइबर, यूट्यूब के वॉच टाइम पूरा करवाएं, सो वो बेसिकली सारा का सारा स्कैम है। सो किसी स्कैम वाले उसमें ना पड़िएगा, अगर आप स्कैम के उसमें पड़ेंगे तो यूट्यूब जो है वो आपका चैनल भी बंद कर सकता है, सो आप लोग की जो इतनी भी इन्वेस्टमेंट होगी वो भी सारी की सारी ज़ाया हो जाएगी। सो आप लोग अपना चैनल जो है वो ज़रूर बनाएं, और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो सो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।